We will begin our Prerna festival today, the 100th Prerna, by a drama called Live from Ahobilam. What it is, we have to wait and see. Even I have to wait and see. It's called Live from Ahobilam. If there is any resemblance with any character, it's just a coincidence. क्या आप चैंटिंग करते हैं या माया से डरते हैं? अरे उल्टी सीधी करते हैं, आप चैंटिंग क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, हिरण्यकश्यपु मारा गया है। अरे इसीलिए तो मरा गया, वो चैंटिंग नहीं करता था। अरे मीडिया कवरेज कहाँ थी? हाँ, मीडिया कवरेज नहीं थी, इसीलिए आपको पता नहीं है कि वो कैसे मारा गया था। तो आइए दोस्तों, सीरियस ड्रामा बिल्कुल हंसता नहीं। गोलोक प्लेयर्स प्रेजेंट्स लाइव फ्रॉम अहोबिलम। अब तक हमने आपको कई कॉमेडी दिखाई है। फर्स्ट प्रेरणा में दिखाया था हमने आपको बोटमैन जेंटलमैन, 25th में मी एंड माय माइंड, 50th प्रेरणा में मुन्ना भाई बन गए डिवोटी, 75th में पैंटोमाइम शो, और फिर से रिसेंटली हमने आपको बताया है डॉक्टर इसी का नाम है, और अब Live from Ahobilam. Yes, Live from Ahobilam. लेकिन ये एक सीरियस ड्रामा है, इसीलिए हंसना मना है। हंसना मना है। अरे गोलो का प्लेयर्स कभी सीरियस हुए है क्या? चलिए अहोबिलम, लगा दे हंसने का मलम। डाउन डाउन डाउन। नमस्कार दर्शकों, आप सबका वैष्णो न्यूज चैनल में स्वागत है। वैष्णो न्यूज चैनल सबसे फास्ट और सबसे तेज है। आज की जो हमारी फटाफट खबरें आ रही हैं, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि आंध्र प्रदेश के अहोबिलम क्षेत्र के राजा हिरण्यकश्यपु की हत्या हो चुकी है। और इस हत्या से देश में नहीं बल्कि विदेश में सनसनी सी फैल चुकी है और लोग एकदम स्तब्ध हो चुके हैं। तो दर्शकों बने रहिए आप हमारे साथ खबरों में, हम आपको लेके चलते हैं लाइव फ्रॉम अहोबिलम, जहां पे हमारे संवाददाता युवराज भोसले कैमरामैन प्रशांत राठी के साथ बने हैं, कि जो आपको आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे। युवराज, जैसे कि हमें पता चला कि हिरण्यकश्यपु की हत्या हो चुकी है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वहां पे क्या माहौल है? जनता आक्रोश में है कि या वो खुशी है? युवराज युवराज, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? दर्शकों, युवराज से मेरा संपर्क टूट चुका है, लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास फिर आऊंगा और युवराज से संपर्क स्थापित करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उठाओ। औच, रुकिए, क्या आपके दांतों में दर्द है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। क्या आपके टूथपेस्ट में गोमूत्र गोधूली है? नहीं। क्या आपके टूथपेस्ट में कपूर लवंग अजवाय हरड़े बहड़े फुदीना है? नहीं नहीं नहीं। आपको चाहिए कोई अच्छा टूथपेस्ट तो लीजिए, गोवर्धन फार्म ला रहे आपके लिए गोलोक दंत मंजन। जी हाँ, घसिए गोलोक दंत मंजन, दिन में 3 बार घसिए और दिन भर हंसिए। ये सभी लोग जो यहाँ हंसते हैं, गोलोक दंत मंजन घसते हैं।
तो दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, धन्यवाद, आप हमारे साथ खबरों में बने रहे। हम आपको फिर एक बार लेके चलते हैं लाइव फ्रॉम अहोबिलम में हमारे संवाददाता युवराज भोसले के पास। युवराज, वहां की क्या स्थिति है और किस प्रकार का माहौल बना है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। बोलो नरसिंह भगवान के जय, महाराज की जय। हरि बोल। जैसे कि हम माहौल देख रहे हो, सब लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे 4-5 हजार लोग जमे हुए हैं और सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। उनको बड़ा, अभी मैं उनका नाम और पूछने को जा रहा हूँ कि उनका नाम क्या है। गोपाल दास, सत्स्वरूप दास, वन विहारी दास। आपका नाम क्या है? मोहन दास। आपका नाम क्या? यहाँ पे सब दास कमे हुए हैं, प्रतीत हो रहा है कि ये सब बंगाल से आए हुए दास हैं और आंध्र प्रदेश में आज सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके लिए सब बंगाल से आए हुए दास रिस्पॉन्सिबल है। युवराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुंबई में अलग अलग प्रांतों से लोग माइग्रेट होते हैं, कुछ इस नहीं, आप बोले राक्षस इधर, दास कौन राक्षस? नहीं, मैं हमारे न्यूज चैनल के राकेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, न्यूज चैनल का, आपके न्यूज चैनल का राकेश है, मुझे लगा आप हमारी न्यूज किसी राक्षस को दे रहे। और ये बंगाल का दास किसको बोला आपने? देखिए भाई साहब, हम बंगाल के दास नहीं है, नाम बेंगलोर के दास है, हम भगवान के दास है। और यहाँ पे जो है आड़ा टेढ़ा न्यूज मत देना आप, पहले ही जो राजा था उसने आड़ा टेढ़ा लाइन दिया, उसका लाइन क्लियर हो चुका है। अगर आपने कुछ आड़ा टेढ़ा लाइन दिया तो आपका भी लाइन क्लियर हो सकता है, आपके चैनल में आपका ही छप जाएगा। जैसे तुमने सुना, बंगाल के दास नहीं है, भगवान के दास है। और कुछ तो उनका जो नृत्य तुम वहाँ पे देख रहे हो, नसीब भगवान की, ये अलग सा नृत्य है, ऐसा नहीं लग रहा जी? युवराज, हमारे दर्शक भी बहुत कंफ्यूज हैं कि ये किस प्रकार का नृत्य वहाँ पे चल रहा है। वही राकेश, ये ना मणिपुरी लग रहा है ना भोजपुरी लग रहा है। देखिए, ये जो नृत्य है इसका नाम है खंबा तोड़ चिरफट डांस। बोलो नरसिंह भगवान के। युवराज, दर्शकों आप सुन सकते हैं कि हमने अभी अभी एक ऐसे डांस को खोजा है कि जिसका नाम है खंभा तोड़ चीर फाड़ डांस, सिर्फ हमारे चैनल ने इसे ढूंढ निकाला है। तो आप इसकी जानकारी हम आगे और आपको देंगे, बने रहिए खबरों में। क्या आप बता सकते कैसे इस डांस को ये नाम मिला, खंभा तोड़? देखिए, भगवान जो है इसी तोड़फोड़ लीला करते रहते हैं। इसके पहले जो है भगवान ने मटकी फोड़ चीरहरण किया था, अभी इस बार ये दुष्ट जो है राजा इधर का हिरण्यकशिपु, वो भगवान के सामने दास बनने के बजाय बॉस बन के गया, तो भगवान ने दिखा दिया ये यथामाम प्रपद्यन्ते, मटकी फोड़ने के बजाय खंभा तोड़ डाला, उसका पेट भी फोड़ डाला, माखन दही निकालने के बजाय उसकी अतड़ी और फेफड़ा निकाल डाला, अरे चीर हरण करने के बजाय चीर फाड़ कर डाला, मधुर बंसुरी सुनाने के बजाय उसको हजारों सिंहों की गर्दना सुना दी। अब देखो, ये जो राजा इधर था ना, उसको भी डाउट था, तो उसने क्या किया, खंभा तोड़ा, उसका डाउट क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया। आपको डाउट है इस पे, आप भी खंभा तोड़ो। आप ऐसा लग रहा है कि ये सब दास एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ये दास प्रहलाद महाराज से मिले हैं, प्रहलाद नरसिंह से, उन्होंने सामने मिलके इस राजा की, ऐसा लग रहा है कि हत्या की है। जी युवराज, मैं यहीं पे आपको रोकूंगा और जैसे मैं फिर से जनता को बताऊंगा कि ये जो गठबंधन है, जैसे कि हमारे देश में यूपीए एनडीए मिलकर एक गठबंधन बना के और एक सरकार बनाती है, कुछ इसी प्रकार की सिमिलैरिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सही कहा आपने, मेरे पास यहाँ पे गोपाल लीला दास है, उनसे भी मैं पूछूंगा कि ये कैसे हम समझ सकते हैं कि
अपने पिता की हत्या हो रही है और बेटा एक गार्लेंड लेके एक पुष्पमाला लेके खड़ा है, जो उनको मार रहा है उनको ही पुष्पमाला पहना रही है, कौन सा गठबंधन है, कैसे समझ सकते? भाई साहब आपको एबीसीडी पता है? एबीसीडी एबीसीडी तो हमको पता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर भक्ति का एबीसीडी, भक्ति, भक्ति का एबीसीडी, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संघ, बी फॉर बुक्स, भागवतम रीडिंग, हाँ पता है, सी फॉर चैंटिंग, जपा, डी फॉर डाइट प्रसाद, अरे ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, एटलीस्ट डी तो पता होना चाहिए ना, हाँ डी तो पता होना चाहिए ना, नहीं समझ सकते आप ये गठबंधन, नहीं समझ सकते। युवराज मुझे लगता है कि मैं तुरंत दर्शकों का एसएमएस पोल करूं, तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा ए बी सी डी, आप अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए ए बी सी डी स्पेस दीजिए और हमें एसएमएस कीजिए 108 पे। आपकी वोटिंग लाइन शुरू होती है, वोटिंग आप। राकेश किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं आपको वहां पे? युवराज मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित हूं, यहां पे एक लेटर को 99% का आउट मिला है और वो है लेटर डी, और ये लेटर डी क्या फैक्टर है ये जरा आप मुझे बताओ। राकेश मैंने भी वही सोचा था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनका इंटरव्यू लिया है जी, और जो डी जिसको प्रसाद बोलते हैं ये भक्त वही बोल रहे हैं कि वो भक्ति में आए प्रसाद के लिए, मंदिर में जाने लगे प्रसाद के लिए, भक्तों का संग करने लगे प्रसाद के लिए, यहाँ तक की चैंटिंग भी वो प्रसाद के लिए ही। तो मतलब ये है कि ये जो डी फैक्टर है ये जैसे कि आपने पहले बताया था दास, और ये डी कुछ उसी से लिंक मिलता जुलता लगता है। वही मुझे लग रहा है, यहाँ सब ये डी फैक्टर लग रहा है, डी फॉर डाइट, डी फॉर दास, तो आगे आगे। लेकिन युवराज इन सब के बाद मुझे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि ये नरसिंह देव कौन है? गोपाल लीला दास क्या आप हमको बता सकते हैं नरसिंह भगवान कौन थे, कहां से आए, उनके माता पिता कौन थे? नरसिंह देव तो भगवान थे, कोई माता पिता होते क्या उसके? हाँ उनके माता पिता होते, खंबे से आए वो, खंबे से। राकेश कुछ कंफ्यूजिंग खबर यहाँ पे मिला है, उनके अंदर से आए हैं बोल रहे हैं। युवराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खंबे के अंदर कोई दरवाजा था, कोई खिड़की थी, लेकिन या आर्किटेक्ट ने बनाते वक्त पहले से कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है कि कोई नीचे से तहखाना था कि जिसके अंदर नरसिंहदेव भगवान आए और उन्होंने हत्या की हिरण्यकश्यपु की। आप ये बता सकते कि जहाँ यहाँ कहाँ भी हत्या होती है, जो हत्यारा होता है वो खंभे के पीछे से आता है, ये खंभे के अंदर से कैसे आ सकता है? भगवान है, कहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, वहां से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, खंभे से भी आ सकते हैं। हाँ भाई रिपोर्टर बाबू, हाँ इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बाहेर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। देखो ये जो भगवान है वो यहाँ पे पास टाइम करने आते हैं, अभी आप टाइम पास करने आए, आपको नहीं समझेगा है, आप एक खंभा तोड़ के देख लो ना। राकेश यहाँ पे मुझे 6 नरसिंहों के बारे में पता चला, इनको नरसिंहा 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 नरसिंहा। ये मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आप खंभा तोड़ के कंफर्म करो, क्या राकेश मैं खंभा तोड़ सकता हूँ? नहीं युवराज आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खंभा तोड़ना नहीं, और जैसे कि मैं देख सकता हूं कि आप कुछ डरे हुए से लग रहे हैं, लेकिन मैं एक बात यहां पे बताना चाहूंगा, हम जनता से कहेंगे कि जनता आप मेरे पीछे ये दोहराइए कि आप युवराज के पीछे हैं, आप युवराज के पीछे हैं। दर्शक जैसे सुना दर्शकों ने कहा कि युवराज जनता आपके पीछे है और जनता के पीछे मैं हूं, तो आप आगे बढ़े और हमें आगे का घटनाक्रम बताए। लेकिन युवराज इन सब के बीच में मुझे कुछ एक मंत्र सा सुनाई दे रहा है, वो कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र गा रहे हैं? नरसिंह आरती, नरसिंह मंत्र है ये। क्या फायदा क्या है? 100% प्रोटेक्शन। मतलब देखिए रिपोर्टर बाबू,
ये जो मंत्र है वो हमारे प्रहलाद महाराज जानते थे। ये मंत्र बोलने से उनको 100% प्रोटेक्शन मिला। बताओ कैसे? आपको उनको ऊंचे पहाड़ से फेंका नीचे, वो ऐसे नीचे आए जैसे कोई टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट में आता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको हाथी के पैर के नीचे फेंक दिया कुचलने के लिए, हाथी ने कुचलने के बजाय जो है उनको सलाम मार दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको जो है सांपों के बीच में डाल दिया काटने को, सांप ने चालू कर दिया उनको छाटने को। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। उनको डाल दिया गरम गरम तेल की कढ़ाई में, तेल गरम, प्रहलाद महाराज ठंडे। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। सैनिकों ने उनके बदन के आर पार तलवार घुसा दी, एक भी वार नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। लास्ट में क्या किया मालूम है आपको? उनको होलिका की गोद में सुलाया गया, जला डालो इनको। लेकिन क्या हुआ मालूम है आपको? होलिका बुझ गई, प्रहलाद महाराज जाग गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। राकेश, नया मंत्र हमारे सामने आया नरसिंह मंत्र जो कि 100% प्रोटेक्शन देता है। जी, जैसे कि हमारे जनता को अभी तक यही पता है कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ 50% की गारंटी देता है, लेकिन हमने एक ऐसे मंत्र को खोज निकाला है कि जो 100% की गारंटी देता है। तो जनता, आप जाइए वेबसाइट पे www.radhagopinath.com पे, जहां पे ये मंत्र अभी अभी अपलोड हो रहा है, कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस मंत्र के बारे में आप सुन सकते हैं। इस युवराज, राकेश बहुत सही कहा तुमने, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी युवराज, ताली एक हाथ से नहीं बजती और दाल में कुछ काला है, और हिरण्यकश्यपु की हत्या का राज इसी में कुछ छिपा है। हम उस राज को निकालेंगे। युवराज, ये हमारे साथ यहाँ पे सतस्वरूप दास बने हुए, वो हमको बताए थे कि किस तरह के राजा थे आपके हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु, अरे किसी ने तिलक पहना तो इधर से काट देता था, कंठी माला पहना तो गला काट देता था, और तो और चैंटिंग किया तो हाथ काट देता था, और जो भी मंदिर जाता उसके दोनों पैर काट देता था। ऐसा था हिरण्यकशिपु। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा सर्जन था ये। देखिए रिपोर्टर बाबू, वो कोई सर्जन वर्जन नहीं था, सोने की गादी पे था बैठा, आज देखो दरवाजे के बीच में लेटा, उसका ही सर्जरी कर डाला भगवान ने, कोई सर्जन वर्जन नहीं था। राकेश, ये देख रहे हो कि जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है अहोबलम का, इसको जनता ने स्वागत किया है, और इसी के बीच में ये सब सफेद धोती वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बीच में मेरे को दो काले धोती वाले लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि मुझे उनके बारे में कुछ तो मेरे मन में भी ऐसा डाउट आ रहा है, क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों रो रहे हैं। और फिलहाल अहोबलम से इतना ही, कैमरामैन प्रशांत मराठी के साथ युवराज भोसले, वैष्णव चैनल के लिए अहोबलम से। जनता, जैसे कि आपने देखा कि हमने दो ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया है कि जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है हत्या होते हुए देखा है। ये सब हम ढूंढ निकालेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ खबरों में, खबरें आज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम राम हरे। सुनिए महाशय, हाँ, क्या आप सुबह की नींद से परेशान है? हाँ। क्या आप जपा करते समय भी नींद से परेशान है? हाँ। क्या भागवतम सुनते समय भी नींद से परेशान है? हाँ भाई हाँ। चिल्लाइए मत, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लूं? क्या आपको पता नहीं है? नहीं। गोवर्धन फार्म लाई है दिव्य वैकुंठ छाय। जी हाँ, दिव्य वैकुंठ छाय, कीजिए दिव्य वैकुंठ छाय, और कीजिए कोटि निद्रा माया को बाय बाय। आप सभी जो नींद से परेशान है, दिव्य वैकुंठ छाय ताजगी और स्फूर्ति की पहचान है।
खरीदिए आज ही मैचलेस गिफ्ट स्टोर से, हमारे एक ही ऑथराइज्ड डीलर से, श्रीमान नारायण प्रभु से, दिव्य वैकुंठ चाय। बाय। तो दर्शकों, खबरों में बने रहने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद, और हम आपको लेके चलते हैं लाइव फ्रॉम अहोवलम में, जहां पे हमने दो व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। युवराज, राकेश वो काफी सहमे हुए, डरे हुए, शांत हो जाए, मैं आपको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे दूंगा अहोवलम में, हमारी चैनल की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा। अरे पुलिस प्रोटेक्शन देता कते ने मेरे को, अरे क्या पुलिस प्रोटेक्शन देता रे भाई मेरे को तू, अरे मेरा राजा, मेरा हिरण्यकशिपु डॉन था यहाँ का डॉन, खंबे से निकाल के उखाड़ दिया रे उसको, रॉ एनकाउंटर रे, रॉ एनकाउंटर, इन्हें बोलता पुलिस प्रोटेक्शन देता कते मेरे को यार, हौलापन की बात कर रहा। तो नाचेंगे इस ना, आज नाचने का दिन है इनका, इनका तो नर्सिंग डे अपीयरेंस डे है भाई, हमारा हिरण्यकशिपु डिसअपीयरेंस डे है रे बाबा। ये जो लोग आज नाच रहे हैं ना, आप उनसे जाके पूछिए कल तक कहां बिल में छुपे हुए थे वो लोग। ए सब लोग तुम लोग कहां थे रे, कहां थे तुम लोग सब लोग, हाँ कहां थे, हाँ ये जो आज 3000 लोग बैठे हैं ना, पूरा मंदिर खाली था भाई, खाली था, कल खाली था, एक जन भी नहीं था यहाँ पे, हाँ आज आ गए सबके सब, मेरा राजा मर गया बोल के यहाँ पे हरे कृष्णा जोर जोर से चिल्ला रहे यहाँ पे, हाँ कल जो है कोई नहीं था यहाँ पे, एक जन भी नहीं, और ये सब सैफरन पे लेना यहाँ पे, ये लोग ये सब दिख रहे ना, सब सफेद पेन के अंदर बैठ के चुपके से वहां पे देखते थे ऐसा ऐसा, कुछ कोई भी नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं था, हाँ सब लोग आज। तो आप राकेश यहाँ पे देख सकते हो कि काफी टेरर था यहाँ पे, कल तक टेम्पल हॉल खाली था बोल रहे, कोई भी यहाँ पे सैफरन नहीं पहनता था, सफेद धोती तक पहना यहाँ पे बना था। जी युवराज, लेकिन उसके आगे का क्या न्यूज है, मतलब वही मैं उनको पूछना चाहूंगा कि इतना फिर पावरफुल राजा था बोल रहे, तो क्या गलती हो गई इससे? बदले की आग, उसका एक बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जिसको विष्णु जी ने मार डाला था, उस दिन से उसको विष्णु जी के नाम से नफरत थी, अरे कोई भी उस विष्णु जी का नाम नहीं ले सकता था उनके सामने। अरे रोज सुबह जाके 6 टाइम की पूरी आरती होती थी रे बाबा, पूरी आरती होती, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना पड़ता था हिरण्यकशिपु का, 16 राउंड का जपा करते थे हम उसका, पूरा मंगला आरती करना पड़ता था, हरे कृष्णा कहते हरे कृष्णा, ओम हिरण्यकशिपु नमः, ओम हिरण्यकशिपु नमः, 16 राउंड का पूरा महामंत्र था, मगर एक अच्छी बात थी देखो, 3 मिनट में खत्म हो जाता था, मगर एक है देखो, एक बार देख लिया मंत्र जो है सोते हुए, तो देखा कि गला खत्म खत्म वहीं पे खत्म, मगर ये तुम्हारे लिए अच्छा है कोई देखा भी तो। हाँ अरे पावरफुल की तो बात ही मत करो, एक बार अगर उसने ऊपर देख लिया तो बादल होना हो बारिश को गिरना ही है, और दूसरा आंख देखा तो बारिश खत्म खत्म उधर ही खत्म। राकेश ऐसा कुछ एक न्यूज मिला है कि ये राजा बारिश को कंट्रोल करता था अपने आंखों के पास। जी युवराज, ये सबसे बड़ी न्यूज है आज, हमें एक पे एक बड़ी न्यूज मिल रही है कि जैसे कि विदर्भ में हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, और मुंबई में इतनी बारिश आती है कि लोग बाढ़ में मर जाते हैं, तो हमें ऐसे राजा की सख्त जरूरत थी कि जहां पे अगर उनकी नजर पड़ती तो ये सारी दुर्घटना रुक सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के रूप में हमने एक महान राजा खो दिया है।
और इस रिक्त स्थान की पूर्ति हम नहीं कर सकते युवराज। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम था आपकी जिसकी वजह से ये हो गया? जनरेशन गैप। 5 साल का बच्चा था भाई उसका, 5 साल का बच्चा था, उसको विष्णु से प्यार हो गया। अब पूरी दुनिया के लोग ओ हिरण्यकश्यपु नमः, ओ हिरण्यकश्यपु नमः, मगर एक ही बच्चे को रोज मंदिर जाने का था। तो जाने दो ना, उन्हें मांस मटन खाता ही नहीं था। अच्छी बात है ना। उसके बाद ये 2-3 बार प्रेरणा में आ गया। अरे तो आने दो ना। मगर वहां पे उसको समझ में ही नहीं आ रहा, उन्हें पीछे पड़ गया, मेरा नाम ले नहीं तो यहीं पे खत्म कर दूंगा बोल के। अरे मेरे को तो बोला पहाड़ पे जाके फेंक दो, अभी मेरे को तो ऑर्डर मानना पड़ेगा ना, तो मैं उठा के गया पहाड़ के ऊपर से फेंका, फेंक के महल में आके जाता हूँ तो क्या है, उधर ही खड़ा हुआ है महल के अंदर। बाद में मेरे को बोला आग में फेंको, मैं तो भाई उठा के जाके सीधा आग में फेंक के आया, महल में आके देखता हूँ तो क्या है, उधर ही खड़ा हुआ है। फिर से बाद में मैं पूछा फेंका किसको रे बाबा, फेंका किसको? अरे उसी को फेंका था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसा हुआ। मैं बाद में जाके उसको हाथी के पैर के नीचे डाल के आ गया। वह हाथी देखा तो सलाम मार रहा कहते उसको, पैरिज नीचे नहीं करता कहते उसके ऊपर, कायकू रे बाबा कायकू। अरे इतना सारा एग्जाम्पल एक्सपीरियंस सामने आ रहा है, फिर भी हमारे राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बहुत बड़ा पावरफुल प्रोटेक्शन है, समझना चाहिए ना। राकेश यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज का केस बन रहा है। जी मैं यहाँ पे पूरी तरह आपसे सहमत हूँ, और मैं मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट वापस लेता हूँ कि हमने एक महान राजा को खो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन पिनल कोड के अनुसार दफा 302 के तहत हिरण्यकश्यपु के साथ जो कुछ भी हुआ हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और हमारी जनता उसका समर्थन करती है। युवराज अभी क्या करेंगे, जैसे ही वहां पे पता चला कि हमारा राजा की हत्या हो गया है, हम तो सीधा भागा घर पे, रास्ते में से दुकान से कंठी माला लिया, घर पे जाके हरे कृष्ण का 16 माला चालू कर दिया। भाई बच्चे के वजह से बच गए, भाई बच्चे के वजह से बच गए हमारे। अरे हमारा बच्चा था ना, वो प्रहलाद महाराज के साथ में स्कूल में पढ़ता था, वो उसके साथ में रह के हरे कृष्ण बोलने का सीख गया, घर पे आके बोलते पापा पापा हरे कृष्ण का जप करो, मैं बोला ठीक है थोड़ा जब हम भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को बोला नॉनवेज खाना बंद करो, मैं बोला ठीक से आज से आदमी खाना बंद। राकेश तुम यहाँ पे देख सकते हो कि प्रहलाद महाराज के रूप में एक मिरेकल बॉय मिला है हमारे देश को, जिन्होंने ये नॉनवेज खाने वालों आज कांदा लहसुन भी छोड़ने का बात कर रहे हैं, कंठम कंठी मारे इनके गले में ऑलरेडी आ चुकी है, और इस तरह का परिवर्तन प्रहलाद महाराज ने प्रजा में लाया है कि असुर भी हमको चैंटिंग कर रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत राठी के साथ युवराज भोसले, वैष्णव न्यूज चैनल के लिए आवाज हम से। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा, फिर से हमने एक ऐसे बॉय को ढूंढा है कि जो मिरेकल बॉय है सिर्फ हमारे चैनल ने ढूंढा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए खबरों में, हम आपको फिर से एक ऐसी न्यूज देने जा रहे हैं। हमारे जैसे कि संवाददाता युवराज खतरों के खिलाड़ी माने जाते हैं, वो अब हिरण्यकश्यपु के महल में जाएंगे और वहां का हमें ब्यौरा देंगे। तब तक हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहिए खबरों में। पापा पापा इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे हम? गोवर्धन फार्म हाउस जाएंगे। और कहाँ रहेंगे? अरे इको विलेज में रहेंगे। और क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, गाय की सेवा करेंगे। गोवर्धन फार्म जाऊंगा नहीं, घर नहीं आऊंगा मैं। यस। तो दर्शकों कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, खबरों में बने रहने हमारे साथ। हम आपको सीधे लेके चलते हैं हिरण्यकश्यपु के महल में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, खतरों के खिलाड़ी हैं और वो जरूर कुछ ऐसा नमूना पेश करेंगे और आपको एक बड़ी खबर देंगे। युवराज राकेश हम हिरण्यकश्यपु के महल में पहुंच गए, मैं और प्रशांत राठी, लगता है इनका बॉडी ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के सब लोग घर वापस मनाने को चले गए, और जैसे तुम देख रहे हो कि पैर, प्रशांत प्लीज पैर पे जरा सा ये देना, पैर में अभी भी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है,
और जैसे कि तुमको मालूम है हमारे वैष्णव चैनल के पास ये वैष्णव कृपा का रिचार्ज है जिसका टॉप अप हम उनमें डाल के 10 मिनट का टॉप टाइम हम उनको दे सकते हैं जिससे वो हमसे बात कर सकते हैं। राकेश ये 10 मिनट का टॉप टाइम का टॉप अप हम उनमें डाल चुके, उसके बाद पैर का मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है और हाथ का भी मूवमेंट बढ़ गया है और थोड़े से झटके लग रहे हैं शरीर को। कौन है भाई? हम वैष्णव चैनल तरफ से कैमरामैन प्रशांत राठी के साथ युवराज घोषरे। कैसा लग रहा है आपको बस ये बताना चाहूंगा कि अभी अभी वैष्णव कृपा का रिचार्ज डाला है हमने, 10 मिनट का रिचार्ज डाला है आपके लिए, आपके पास 10 मिनट का टॉप टाइम है तब तक आप हमसे बात कर सकते हैं। मैंने सुना है कि लाइफ टाइम का रिचार्ज भी मिलता है मार्केट में। रिचार्ज केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, हम खाली 5-10 मिनट का प्लीज मैं कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आदमी को हथेड़ी हाथ में लेके कैसा लगता है? निकलो तो निकलो, नहीं दस निकलो हथेड़ी निकलो। हथेड़ी निकालू क्या? मैंने कहा कि जनता आपके पीछे है और जनता के पीछे मैं हूं और आप आगे बढ़ो। यहां पे पीछे कोई नहीं था, कोई था वो पर्दा भी बंद कर देगा। अरे वो सपोर्ट सिस्टम यहां पर नहीं है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा मेरे ऑफिस के बाहर में पीछे मेरा इंश्योरेंस को युवराज कोई बात नहीं, मैं आपका इंश्योरेंस पेपर ढूंढ के निकलता और मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी ऑफिस की टीम उस पेपर के पीछे पड़ जाएगी और आपके परिवार वालों को दे देगी। तब तक मैं ब्रेक लेता हूं, आप युवराज के साथ सीधा लाइव पे बने रहे, धन्यवाद। ऑप्शन नहीं मेरे पास। आप हमको यह बता सकते हैं कि आपके इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ही जिम्मेदार हूं मेरे हालत का। ये रहा ना, मैं पत्थर लिया, बड़ा पत्थर लिया, मेरे पैर के ऊपर डाल के लिया, कैसे सवाल पूछते रे बाबा, वो भी कई सवाल में स्टाइल से किया बाबा, पत्थर को ऐसा लिया ऊपर उठाया और पैर से बैलेंस करके लिया। क्या आपको हिरण्यकश्यप की आवाज सुनाई दे रही है? दर्शकों हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसके लिए सॉरी। अरे वो तो बेचारे कमरे के अंदर शांति से बैठे थे, मेरे को इचर भी आया, पकड़ के जाके कमरे को लात मारा मैंने, शांति से बैठे थे बेचारे। हमारे पास जो सीसीटीवी के फुटेज आए हैं उसमें तो ऐसा दिख रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस के साथ अपने वो लात मारता है। हम आपको पूछना चाहेंगे कि क्या राज था आपके कॉन्फिडेंस के पीछे? अरे कैसा क्वेश्चन पूछते रे बाबा, कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही ना, मैंने ही तो खड़े रह के खंबा बनवाया था वो।
ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू ले रहे क्या, मजाक कर रहे हैं मेरे को? अरे उसके अंदर खड़े रहे के सीमेंट डाला, रेती डाला, थोड़ा बहुत सोना भी डाला था अंदर, मेरा फेवरेट कम बताओ, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन पूछना रे बाबा। हमने ये भी सुना कि आपके पास आपने बहुत बड़ी कीमत देके कोई एक आपको गारंटी कार्ड मिला था जिसके कारण आपकी मृत्यु नहीं होने वाली थी, क्या वो गारंटी कार्ड और उसकी क्या कीमत आपने उसके लिए दी थी वो आप बता सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं है ना जंगल में जाके येड़े के जैसे एक ही टांग पे खड़ा था, 60,000 साल खड़ा था येड़े के जैसा। मैं सोने के महल में रहने वाला, इधर मुंगी लोग मेरे पे महल बना के खड़ा हो गया, मालूम है तुमको? और क्या मिला मेरे को, क्या मिला? 5 साल के बाद अपना मर्डर हो गया ना इधर, 60,000 साल पुकट का टाइम पास हो गया मेरा। दर्शकों क्या आपको हिरण्यकश्यप की आवाज सुनाई दे रही है? तो हरि बोल बोलिए। तो आप जो आज शाम को घटना घटी है, मतलब अभी जस्ट 7:20 हुए हैं और ये शाम को ही घटना घटी, आप बता सकते एग्जैक्टली क्या हुआ आज शाम? मैं तो अच्छा मूड में था उस दिन, मैंने एक खंबा लिया, खंबा समझते है ना तुम लोग को? हाँ वही, मेरा एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है रे बाबा, एक दिन में चारों नियम तोड़ने का। हाँ तीन तो दिन भर में तोड़ा मैंने, मांस मच्छी आप सा अच्छा तो मैं खंबा लेके बैठा था, अच्छा मूड में पी रहा था मैं, इतने में मेरा बेटा आया, पापा पापा। मैं मेरे बेटे के सामने पीता नहीं, बाटली पीछे रखा। प्रहलाद आओ आओ आओ, उसको इधर बिठाया। कितना ट्यूशन पे खर्चा किया था उसके ऊपर? मैंने उसको आज एक प्रश्न पूछा, थोड़ा कौन सा, तो मेरे को क्या लगा मालूम है? वो बोलेगा ओम हिरण्यकशिपाय नमः। इतने में क्या किया मालूम है उसने? उसने बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वही वही हरे माजी तर सटकली रे बाबा, सटकली माजी। मैं बोला आली रे आली, तेरी बारी आली प्रहलाद, तेरी बारी आली। फिर क्या, उसने उल्टा सीधा जवाब पूछा मेरे को। मैंने उसको पूछा याड़ा हो गया क्या रे तू, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे तू? वो बोलता मैं तो विष्णु का ही नाम लेगा मेरा, और सटक ले रे बाबा। फिर मैंने उसको पूछा तेरा विष्णु इधर है क्या? वो बोला है। फिर मैंने बोला तेरा विष्णु इधर है क्या? वो बोला है। पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा, तो मैं भी बोला जाने दे बाबा। फिर मैंने मेरा फेवरेट कंबे की तरफ दिखाया, ये कंबे के अंदर है कि नहीं है? वो बोला है। मैं बोला ये तो अपना फेवरेट कंबा है, अपन खड़े के बनाया। तो अपन ने फिर से उसको चांस दिया, मैंने बोला ये कंबे के अंदर है कि नहीं है? वो बोला है। तो मैं गया, अपने को चेक किया वो, एक दो बार चेक किया मैंने टक टक करके, वही सोने का आवाज आया मेरे को अंदर से। फिर मैं बोला बस अभी इसका पोपट करेगा। फिर मैं गया, चल के गया उधर, और कम बिल्कुल लिया लात, अपने ही पोपट हो गया इधर। फिर भी मैं डरा नहीं, पब्लिक डरा, विष्णु विष्णु चिल्लाए, मैं डरा नहीं। पूछो क्यों? अपने पास गारंटी कार्ड था, ब्रह्मा ने दिया गारंटी कार्ड था अपने पास। मैंने पढ़ा पहला पॉइंट, अपने को ना इंसान मार सकता है ना जानवर। फिर मेरा नजर उधर पड़ा, देखा ऊपर सिंगम नीचे इंसान। मेरा वो सर्टिफिकेट में से पहला पॉइंट कर दिया कैंसल।
हाँ माँ जी बारी आली। फिर भी मैं डरा नहीं, मैं डरा नहीं बाबा, यारा तोड़ी है डरा नहीं मैं। मेरे पे दूसरा पॉइंट देखा मैंने, उसमें ऐसा लिखा था ना कोई शस्त्र मार सकता ना कोई अस्त्र। अरे उनकी एक हाथ में नहीं, दस हाथ उनके पास, शंका गदा चक्रा पद्मा वगैरह वगैरह अस्त्र वस्त्र था। लेकिन आप फिर भी डरा नहीं, मैं फिर भी डरा नहीं। मर थोड़े देर में देखा, क्या देखा मैंने, वो मेरे को हंस हंस के नाखून दिखा रहा है ऐसा, हंस हंस के नाखून दिखा। मैं समझ गया ये मेरा एनकाउंटर करने के लिए आया है इधर। बाबा रे बाबा, फिर भी मैं डरा नहीं, पूछो क्यों। मैंने वो दूसरा पॉइंट तो कर दिया कैंसल, फिर भी तीसरा पॉइंट था ना मेरे पास। हाँ, ना दिन में मार सकता है ना रात को मार सकता है। इतने में मैंने गाड़ी देखा रे बाबा, शाम का 6:30 बजे। मैं बोला मेरा मति मारी गया था, 2 घंटा पहले तोड़ता तो अच्छा था रे बाबा। 6:30 बजे तोड़ा। फिर भी मैं डरा नहीं। हाँ नहीं, मैं तीसरा पॉइंट कैंसिल किया, अपना चौथा पॉइंट भी था ना रे बाबा। पूछो क्या था। ना घर के अंदर मार सकता है ना घर के बाहर, उससे पहले भी एक पॉइंट था। पूछो क्या, ना ऊपर मार सकता है ना नीचे मार सकता है। इतने में देखा मेरे को हवे में लटका डाला उसने, डायरेक्ट हवे में लटकाया। फिर मेरे बोला चौथा पॉइंट कैंसल। फिर मैंने देखा नीचे 5वां पॉइंट था। क्या था पूछो ना रे बाबा। हाँ 5वां पॉइंट था ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। फिर मेरे पास 5वां पॉइंट में क्या लिखा था उनमें, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ना घर के अंदर मार सकते ना घर के बाहर। मैं तो घर के अंदर था इसके लिए हंस रहा था, मैं जोर जोर से हंस रहा था। वो मेरे को देखा, बहुत हंस रहे रे तू, बहुत हंस रहे तू। फिर मेरे को दरवाजे तक लेके गया, फिर भी मैं हंस रहा था। पूछो क्यों, मेरे को मालूम था घर के बाहर लेके जाने वाले अपने को नहीं मार सकता उधर भी। देखा तो उधर ही दरवाजे पे रुक गया वो, उधर ही दरवाजे पे रुक गया। बोलता बहुत हंस रहा है ना। मैं 5वां पॉइंट कैंसिल करने से पहले मैं ही हो गया कैंसिल। पूरा पब्लिक के सामने अपनी इज्जत ही उतार दिया उधर। और कुछ था का? फिर मैं सोचा एक और पॉइंट रहेगा, नीचे देखा तो कंडीशन अप्लाई लिखा था कार्ड में। वो ब्रह्मा जी ने मेरे को दिया, मैं एक्साइटमेंट में कार्ड लेके भाग के आया महल में, पढ़ा नहीं था ठीक से। और कुछ था नीचे? हाँ लिखा था, अरे बाबा बताता हूँ ना। नीचे लिखा था एक्सपायरी डेट, आज ही का तारीख लिखा था उसमें। उधर ही मेरा हो गया पोपट। बैठो क्या थोड़ा। क्या आपको ऐसे लगता है कि आपका बेटा प्रहलाद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जो आज आपकी हालत हुई है उसके लिए? नहीं नहीं, प्रहलाद भी नहीं, नरसिंह देव भी नहीं, मेरा बच्चा मान का सच्चा बेचारा मेरे को प्यार से प्रवचन देता था, मैं सुनता नहीं था। मेरा बेटा तो बेचारा बचपन से डिवोटी था। इधर ये लोग क्या क्या करते हैं बच्चे लोग के साथ, मालूम है डिवोटी बनाने को। गोपाल गार्डन, गोपाल फन स्कूल, वैल्यू एजुकेशन, कितना टॉर्चर करते हैं लोग। सॉरी रे बाबा। हाँ मगर मेरा बेटा तो डिवोटी था, बॉर्न डिवोटी। तो उसके पास ऐसा क्या था जो आपके पास नहीं था? उसके पास भी कोई कार्ड था आपके जैसा? कार्ड था एक्चुअली ना, मेरे पास वो वारंटी कार्ड था, उसके पास विष्णु का दिया हुआ गारंटी कार्ड था रे बाबा। हाँ उसको तो फुल 100% प्रोटेक्शन, मेरा तो सब पॉइंट फेल हो गया, उसका हर एक पॉइंट सक्सेस। उसको ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नरसिंह देव ने ऐसा कैच पकड़ा, अपने इंडियन टीम के जैसा नहीं हो बॉल के पीछे इधर उधर भागते ला, वैसा नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ। आप हमारे इतने सारे दर्शक यहाँ पे जमे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप जनता के लिए? मेरे को संदेश देने का आज? अरे भाई लोग नमस्कार।
आज मेरे को थोड़ा सीरियसली लेना बाबा, हंसने का नहीं है अभी। मैं तुमको बोलते बाबा, अगर भक्त बच्चा रहेगा ना, वो भी खास करके 5 साल का, तो उसका सब सुनने का। तुम्हारा भी बच्चा 5 साल का है ना? हाँ मालूम है मेरे को, सुनने का बराबर से। और है ना, ये भक्ति मार्ग में लगने का रे बाबा, अच्छा है भक्ति मार्ग। तो वो बच्चा आपको प्रवचन देता था, ऐसा कुछ हमने सुना था। हाँ प्रवचन अच्छा देता था मेरे को कृष्ण के बारे में, मगर अपना येड़ा खोपड़ी ना सुनता नहीं था मैं। मगर तुम लोग बाबा सुनना, इधर दो मंदिर में प्रवचन देता ना, बढ़िया प्रवचन देता है, उसके बाद प्रसाद भी देता था बाकी खाने को। और आप कुछ योगासन के बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोग? योगा के बारे में, कौन सा योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे जैसा 60,000 साल, अभी तुमको तो मिलेगा भी नहीं 60,000, इतना टाइम पास ना हो, इधर उधर का योगा में मत करो, करो ऐसा कुछ नहीं, करेगा तो बॉडी को अच्छा है, मगर साथ में भक्ति योगा भी करो रे बाबा। और अंत में आपको क्या अनुभव आया कि इसके बाद क्या हो गया? तो बीच में रिचार्ज देने के पहले आप कहीं तो चले गए थे, ऐसा लगा कहां चले गए थे आप? वो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है आपका जरा शेयर करेंगे? मैं एक्चुअली नर्क में जाने वाला जनरल डिब्बा में बैठा था, वो भी टॉयलेट के बाजू में, बहुत सारा था उधर बोल। आपकी भावना को समझ सकता हूँ कि एक राजा होने के बाद आपको जनरल डिब्बे में बैठा, वो भी नरक को जाने वाली गाड़ी जबरदस्ती का। फिर क्या हुआ? फिर इतने में देखा मेरा बेटा उधर प्रार्थना कर रहे नरसिंह देव को, मेरे बाबा को छोड़ो रे, मेरे बाबा को छोड़ो। जैसे उसने प्रार्थना किया, 4 आदमी आए, स्टार्ट हो रहा था रे बाबा, इतने में 4 आदमी ने घेर लिया, बोलते हम लोग वही कौन लोग से आया, मेरे को उठा है डायरेक्ट उधर से उठा है जनरल डब्बा से, बोला किधर लेके जा रहे, किधर लेके जा रहे भाई, डायरेक्ट जाके फर्स्ट क्लास एसी में बिठा है मेरे को दूसरा गाड़ी में। हाँ वो गाड़ी किधर जा रहा था मालूम है? वही कौन लोग जा रहा था, सब शरीफ लोग थे उधर रे बाबा, सब शरीफ लोग थे, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। हाँ फिर अच्छा अच्छा गरम गरम लाडू बेड़ा भी आया, प्रसाद बोला प्रसाद, मैं बोला देव रे बाबा, देखा तो वेजिटेरियन, मगर अपन बोला चलेगा, अभी वेजिटेरियन भी अच्छा है, चले भाई। तो कैसा कैसा लगा आपको उसका टेस्ट लेने के बाद? बहुत बढ़िया टेस्ट है रे बाबा, बहुत बढ़िया टेस्ट था। इसके बाद आपका डेस्टिनेशन क्या है और आप क्या बताना चाहेंगे फाइनल मैसेज? जय और विजय, हम लोग उधर है ना खड़ा रहेगा ऐसा दरवाजे के पास, उधर आएगा ना हम वेलकम करेगा तुमको, अच्छे से भक्ति करके आना। और ये गाड़ी में बैठे है ना अभी, ये गाड़ी को छोड़ना मत, छोड़ना मत ये गाड़ी को रे बाबा, समझो रे बाबा, इन लोगों को इमोशनल।